बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इसका लॉन्ग आंसर नंबर 3 कर रहे हैं। उसके दो पॉइंट्स की रीडिंग रहती है, वो आज मुकम्मल करते हैं जी। कल हमने यहाँ से किए थे पॉइंट नंबर 1, 2, 3 की रीडिंग की थी, आज पॉइंट नंबर 4 से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखें ज़रा, थिक लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स मेक्स इनफ फूड फॉर द प्लांट्स। मेसोफिल सेल्स की मोटी तह पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुराक तैयार करती है। नंबर 5 देखें, वैस्कुलर बंडल इन द लीफ स्प्रेड इट्स वे इन अ नेटवर्क टू कैरी वाटर टू फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स एंड ग्लूकोज अवे फ्रॉम देम। पत्ते के वैस्कुलर बंडल में वेंस का नेटवर्क होता है जो कि फोटोसिंथेसिस का अमल करने वाले सेल्स तक पानी पहुंचाता है और वहां से ग्लूकोज दूसरे हिस्सों में ले जाता है। उम्मीद करती हूं आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आपसे आज एक बात करने लगी हूं कि आप ऐसा करें कि ये जो काम आपने कॉपीज पर किया है, इसकी पिक्स ज़रा मुझे आज सेंड करें ताकि मैं देखूं कि आप कैसा होमवर्क कर रहे हैं और डायग्राम वगैरह कैसी बना रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप मुझे अपने होमवर्क की पिक्स आज ज़रूर सेंड करेंगे। ये आपने याद करना है और इसका होमवर्क भी करना है। कल इंशाल्लाह लॉन्ग आंसर नंबर 4 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।